हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल गोलू भाई व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और आपके दुआओं से हम भी ठीक है। तो भाई अभी हम बटोत पहुंच गए हुए हैं, देख सकते हो ना। रिम्य को बोला थोड़ा मिरर वगैरह साफ कर देगा। तो अब यहाँ से जाना भाई आज हमने उधमपुर, क्योंकि अपनी गाड़ी को थोड़ा गैरेज में दिखाना है और उसके बाद जो लोडिंग वगैरह वहीं से करेंगे। तो देर ना करते हुए भाई निकलते हैं यहाँ से। रात को भी शादी थी कज़न सिस्टर की, वहाँ पर गया हुआ था तो लेट ही सोया था, 2-3 बजे के करीब सोया था। 5 बजे नींद खुली, मैंने सोचा जाऊंगा, फिर नहीं, फिर से सो गया कंबल लेके। फिर उठा भाई मैं 7 बजे, 7 बजे निकला आया घर से बिना चाय पीने के। रास्ते में चाय चुई पी, तो अब निकलते हैं फिलहाल यहाँ से। तो भाई यहाँ से देख रहे हो कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं। तो ये देखो डंगर वाली गाड़ी भी पकड़ी हुई है, ये जो यहाँ पर 10 चक्कियाँ लगी हुई हैं, भैंसों वाली गाड़ियाँ। तो गलत काम जो है ना, इलीगल काम इलीगल है, ये काम मत किया करो। देखो नई नई गाड़ियाँ जो है खड़ी है, बाकी स्टूडेंट वगैरह भी जा रहे हैं काफ़ी स्कूल की तरफ। तो पहुँचने वाले हैं हम अब बटोत, तो उसके बाद यार फटाफट से जाएंगे क्योंकि टाइम भी जो है काफ़ी हो चुका है, काम भी करवाना है, लोड भी करना है। पहुँचने वाले नाश्री, देख सकते हो आज कानवाई जो है कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रही है। तो बाकी यहाँ से भी जाने वाले जो गाड़ी है सब यहीं पर रुकी हुई है। ले लैंड गाड़ी तो भाई बढ़िया है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है यार, उछलती काफ़ी ज़्यादा है ना। उछल उछल के जितनी खाई होती है ना इंसान है वो सब पच जाती है ऐसे ही। इस पर खाना पड़ता है, जब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 2 टाइम या 3 टाइम खाना खा रहे हो, इस पर खाना पड़ेगा नॉर्मल 4-5 टाइम खाना। पहुँच गए भाई टोल प्लाजा, देख रहे हो यहाँ पर जाम लग चुका है। फिर से चल रहे हैं धीरे धीरे टनल के अंदर से, क्योंकि आगे लोड गाड़ी चल रही है और आपको पता है लोड गाड़ियाँ जो है आराम से ही चलती हैं, क्योंकि माल भी रहता है, रोकने का भी खतरा ही रहता है, जगह पे रुकना भी चाहिए, जगह पे चलना भी चाहिए, है ना। बाकी रिम्मी रहा इधर, देख रहे हो ना लाइट वगैरह ऑन की हुई है अंदर की, क्योंकि आराम आराम से गाड़ियाँ चल रही है। तो छोटा मोटा काम था भाई अपनी गाड़ी का, वो करवा देंगे, देखेंगे ले लैंड गैरेज में यहाँ पर कैसा काम करते हैं जम्मू कश्मीर में जो ले लैंड है, देखें कैसा काम करते हैं। नहीं तो फिर जब कभी एप्पल भर के कहीं जाएंगे तो फिर उधर करवा लेंगे। ये लाइट वगैरह जग रही है भाई, समझ नहीं आ रही अपने को भी, ये कौन सी लाइट है, देख रहे हो ना ये लाइट जो है तो कभी बंद नहीं हुई भाई, ये कंटिन्यू लगी रहती है। और गाड़ी थोड़ा चढ़ रहा नहीं है, सोचा चलो चेक करवा देंगे। नॉर्मली भाई 1 घंटे से ज़्यादा हो गया टाइम यहाँ पे यार जाम लगा हुआ है, देख रहे हो गाड़ी पे गाड़ी है, गाड़ी पे गाड़ी है। और अभी हम चनैनी जहाँ से ये अपना टोल गेट का रास्ता शुरू होता है वहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन यार डबल लाइन लगा हुआ है। गाड़ियों का एक हल्का सा झटका लगा भाई और पहुँच गए हम समरोली, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो लाइन कहाँ से, वो सामने जहाँ से मेरी उंगली चल रही है ना, आपको तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन वहाँ से लाइन जो है, तो हमने भी लाइन में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। और अपने पीछे देख रहे हो कहाँ पीछे तक जो है तो गाड़ियाँ लग चुकी हैं। तो रिमी को भेजा हुआ मैंने दुकान पे, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेट हो गए यार, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। गैरेज जाना था लेकिन जाना ही जाना है ना, ज़रूरी है जाना, गाड़ी का चेकअप करवाना भी, डॉक्टर के पास भी लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है गाड़ी को। अगर गाड़ी को डॉक्टर के पास नहीं लोगे तो गाड़ी भी बीमार हो सकती है, बीमार तो है, चलो सोचे इसका इलाज कर देंगे, मेडिसिन वगैरह लाएँगे डॉक्टर से, फिर गाड़ी का इलाज हो जाएगा। पहुँच गए उधमपुर बाईपास भाई, और ये देख रहे हो अमरनाथ यात्रा पर जो लंगर वगैरह लगते हैं, तो लंगर वाली गाड़ी है जो है तो लंगर ख़त्म हो गया, अभी जा रहे वापस घर के लिए, गुरदासपुर की गाड़ी है। बाकी यहाँ पे रोड का काम वगैरह भी लगा हुआ है, तो आप ऐसा करेंगे कि आप जाएंगे यहाँ से जा रहे सबसे पहले काम वगैरह फिनिश करवाएंगे भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना काम है गाड़ी का, उसके बाद देखेंगे आगे कैसे। पहुँच गए भाई उधमपुर गोल मेला, तो यहाँ से देख सकते हो आप कानवाई को भी रोका हुआ है, काफ़ी जगहों पर जो है गाड़ियों को रोका जाता है, काफ़ी मुसीबत रहती है ट्रक वाले भाई को ना, काफ़ी मुसीबत रहती है ये, कोई कोई समझ सकता है, जो जानता है ना वही समझेगा, बाकी कोई नहीं जान सकता। तो पानी वगैरह की भी दिक्कत रहती है, बाथरूम जाने की भी दिक्कत रहती है, काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है बाथरूम भी, चलो क्या करना, ये लाइफ ही ऐसी है। आगे हुए थे भाई यहाँ पे अपने गैरेज में आए हुए थे, तो अपनी गाड़ी के जो है तो वो अपना क्लच सिलेंडर होता है ना वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है तो लीक हो रहा है उसको प्रेशर, तो दिखाता हूँ मैं वो आपको कैसे, अभी तो मिस्त्री फ़िलहाल लगे नहीं है, लग रहे ही वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 चक्का गाड़ी है, ये ले लैंड का काफ़ी बढ़िया जो है गाड़ी बनाया हुआ है ना। तो बाकी रिमी हमने खाना वगैरह बनाया हुआ था, खाना वगैरह खाया हमने, रिमी गया हुआ बर्तन वगैरह धोने के लिए, वो आता उसके बाद फिर लोडिंग भी करना है, सबसे पहले जो अपना छोटा मोटा काम है गाड़ी का वो सब निपटा देंगे। वो
रहा है भाई काम अपनी गाड़ी का, बाकी रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। BS6 गाड़ियाँ वो ऑटोमेटिक मतलब लैपटॉप लगवा के वैसे करवानी पड़ती है। फिर देखो अभी ऑटोमेटिक स्पीड है गाड़ी की, और यहाँ से मतलब कि गर्म गुरम होगा, और साथ में हमें जो बूस्ट है ना वो ये बूस्टर डाला हुआ है। बाकी छोटा मोटा काम था, लीवर तो वो तो टाइट हुआ नहीं, लीवर तो प्ले काफ़ी थी, और तो अपना गाड़ी गर्म हो रही थी, कह रहे थे अब ठीक हो जाएगा। बाकी भी छोटा मोटा काम था वो सब निपटा लिया, और अभी बच चुके हैं 4, लेकिन अभी रिजर्वेशन पे लगी हुई है गाड़ी। कहते हैं काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको रिजर्वेशन होने में, मतलब कि कुछ रिफ्रेश होने में, जैसे मतलब कि फॉर एग्जांपल मान के चलो आप अपने फ़ोन को आप वो करते हो, क्या कहते हो उसको, फॉरवर्ड मार दे हो, वही मान के समझ लो। जब अपने गाड़ी को जो है लैपटॉप लगवाना पड़ता है, फॉरवर्ड मारना पड़ता है, इसमें जो है ना ये अपने वायरस वगैरह हो जाते हैं ना। तो अब लोड भी करना गाड़ी, देखते कब तक करेंगे लोड। बाकी रिमी भी बैठा हुआ, शाम के बज चुके हैं भाई 6:30, और अपना जो काम है अभी मसल निपट चुके हैं, तो अब गाड़ी को आउट कर रहे हैं यहाँ से ले लैंड गैरेज से, है ना। तो भाई ने लगाना था लैपटॉप गाड़ी में फिर से, क्योंकि वो एक सेंसर डालना था, डीजल सेंसर, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे है डीजल सेंसर। एक मिनट मैं उस साइड जा रहा हूँ। बाकी तो भाई जो टायर डाले हुए थे ना, ये रहे टायरों का जोड़ा, फ्रेश जो टायर डाले हुए थे ये टायर है भाई, है ना। अभी रिसोल है यहाँ पे, बाकी यहाँ से ये एंगल भी टेढ़ा है, देख रहे हो ना, अलाइनमेंट भी नहीं है, टेढ़ा है ये वाला, है ना, इसको भी सीधा करवाना पड़ेगा। बाकी डाले की हालत भाई ऐसी, और ये देख रहे हो ले लैंड गाड़ी बिल्कुल जो है ना डैम्पर जो है ख़त्म हो चुका है फ्रंट इसका, और जो सेंसर है ना, सेंसर मैं पागल इंसान हूँ, वो उस साइड में देखा, दिमाग जब ख़राब होता है ना पता नहीं चलता है, उस साइड जाना पड़ेगा फिर से। बाकी मिस्त्री वगैरह यहाँ पे सभी जो मिस्त्री यहाँ पे जो गैरेज में काम करते हैं, सेंसर रहा भाई, काफ़ी महंगा सेंसर है भाई, एक ही सेंसर डाला, ये सेंसर डाला, कौन सा वाला, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये हुआ डीजल सेंसर भाई, तो ये डाला अभी। और लैपटॉप लगाया हुआ भाई ने अंदर, आप देख सकते हो, आप गाड़ी को हम करेंगे स्टार्ट, अब लगेगा लैपटॉप इसमें। बाकी रिमी भी बैठा हुआ है, गलतियाँ क्यों करता है, क्यों करता है, डरता है यार, क्या डरता है यार। तो आप ऐसा करेंगे ना, यहाँ से जाएंगे हम जखैनी चौक में, वहीं पर रुकेंगे। तो फ़ोन वगैरह किया हुआ था जहाँ जहाँ से माल रहता अपने डोडा भद्रवाह का, सीमेंट वगैरह निकलता है, भद्रवाह जाना था इसीलिए टायर वगैरह डालने थे एक जोड़ा फिर से, उसके बाद देखेंगे एप्पल का सीज़न कहीं ना कहीं चला जाएंगे उसके बाद, क्योंकि लोकल में चल के भाई कोई प्रॉफिट नहीं है मेरे साथ। आज तो जो है ना पूरा दिन ऐसे निकल गया भाई, क्योंकि काम काज करवाना भी ज़रूरी है ना, काम काज नहीं होगा तो गाड़ियाँ कैसे चलेगी। गाड़ियों का काम काज जो है ना, गाड़ी के मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, ओके रखना है। तो बाकी अभी सेंसर तो फिट किया था लेकिन फिर से लाइट जल रही थी, मसला ना जाने क्या है, अब भाई देख रहे हैं फिर से। तो बाकी भाई कुछ पूछ रहे थे शाहरुख भाई कहाँ हैं, तो शाहरुख भाई भी घर पे अपने, तो अब देखेंगे कब तक वो गाड़ी पे आ जाएंगे किसी न किसी में। चला आए भाई गैरेज से, तो जा रहे हैं, अब सोचा जखैनी चौक में गाड़ी लगाएंगे, वहीं पर खाना वगैरह बनाएंगे, बाकी नहाने वाने का सीन भी वहीं पर देखते हैं, है ना। बाकी यहाँ पर बैठ बैठ के भी क्या करेंगे। तो भाई आगे जखैनी चौक में कानवाई को भी छोड़ दिया हुआ था यहाँ से, देख रहे हो ना अभी यहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं है, और बाकी मैं रिमी को भेज रहा हूँ भाई हम मैं सामने सब्जी वगैरह लाने के लिए, क्योंकि खाना वगैरह बनाएंगे, नहाया वगैरह तो है नहीं, तो चलो नहाने के बिना खाना वगैरह बनाएंगे, खाएंगे, और अपना गाड़ी जो है लोड कल यहीं से होगा, है ना। तो रिमी जाता है फटाफट से सब्जी वगैरह, ऑनियन प्याज लाना है और चावल लाने। तो भाई रिमी भाई आ चुका था सब्जी वगैरह लेके, खाना वगैरह तैयार कर दिया अपना, रिमी भी बैठा हुआ है यहाँ पे, बस तो आप खाना वगैरह खाएंगे, प्लेट वगैरह खोल दी तो रिमी कर रहा घर पे बात, खाना भी खाते हैं उसके बाद सो जाते हैं। और साथ में आज की वीडियो सब भाई को पसंद आई होगी, आई होप, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर भाई, बाय 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 बाय।